जल संरक्षण का ज्वलंत उदाहरण है मिशन अमृत सरोवर। मन की बात में पीएम मोदी बोले, हमारी मेहनत रंग लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेड़ लगाने और जल का संरक्षण करने की अपील की। जल संरक्षण के लिए केंद्र के प्रयासों और प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान बनाए गए 60,000 से अधिक अमृत सरोवर पहले ही चमकदार मील के पत्थर के रूप में उभरे हैं और 50,000 से अधिक पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात के 103वें संस्करण के दौरान देशवासियों को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं। पिछले साल लॉन्च हुआ मिशन अमृत सरोवर। पिछले साल लॉन्च किए गए मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के एक हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करना है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान बनाए गए 60,000 से अधिक अमृत सरोवर चमकदार स्थलों के रूप में उभरे हैं, जबकि 50,000 से अधिक के निर्माण पर काम जारी है। उन्होंने जिम्मेदारी और जागरूकता का परिचय देते हुए जल संरक्षण के लिए लोगों के प्रयासों की भी सराहना की। प्रकृति और पानी बचाने को लेकर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के शहडोल की अपनी हालिया यात्रा पर पीएम मोदी ने कहा कि पकरिया गांव के आदिवासियों ने जल संरक्षण तकनीकों को अपनाया है और उन्होंने प्रकृति और पानी को बचाने पर उनके साथ आगे की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने शहडोल का दौरा किया था। मैं पकरिया गांव के कुछ आदिवासी भाइयों और बहनों से मिला। प्रकृति को बचाने और जल संरक्षण पर मेरी उनके साथ सुखद और उपयोगी चर्चा हुई। धीरे धीरे क्षेत्र में बढ़ेगा भूजल स्तर। पीएम मोदी ने कहा कि अब मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने पहले ही जल संरक्षण के विचारों को लागू करना शुरू कर दिया है। स्थानीय प्रशासन की मदद, लोगों ने लगभग 100 कुओं को जल पुनर्भरण प्रणालियों में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश का पानी अब इन कुओं में बहता है और वहां से सतह के नीचे रिसता है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे क्षेत्र में भूजल स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। अब सभी ग्रामीणों ने पानी रिचार्ज करने के लिए पूरे क्षेत्र में लगभग 800 ऐसे कुओं का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। यूपी में पेड़ लगाने का बना रिकॉर्ड। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही दिन में 30 करोड़ पौधे रोपने का नया रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से एक और उत्साहजनक खबर आई, जब एक ही दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाए गए, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए एक अभियान का हिस्सा था। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरूकता के महान उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि हम सभी पेड़ लगाने और पानी बचाने के ऐसे प्रयासों में शामिल हों।